हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। तो यारो, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको अपने प्लांट का पूरा टूर कराने वाला हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा प्लांट के बारे में बताया था और दिखाया था कि कैसे क्या सेटअप किया हुआ है। आज मैं आपको पूरा सेटअप दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पर अभी बॉटल का रिफिलिंग हो रहा है, क्योंकि एक शिफ्ट ये होकर आ चुका है, एक टेम्पो पानी डिलीवर होकर आ चुका है, अब ये दूसरे शिफ्ट के लिए जाएगा। तो यहाँ पर अभी रिफिलिंग का काम चल रहा है। पीछे थर्मस भी देख रहे होंगे, वो भी अभी रिफिलिंग होकर साथ में ही जाएगा, पीछे रखा हुआ है। और ये बोतल अभी रिफिलिंग हो रहा है। चलिए मैं आपको अब आगे भी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोतल सारा लग चुका है और कुछ बोतल यहाँ पर ऑटो पे लोड हो चुके हैं। चलिए मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर बोतल ऑटो पे कुछ लोड हैं और कुछ नीचे रखे हुए हैं ताकि लोड होंगे। आज बहुत सारे बोतल इस शिफ्ट में जाते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग किस प्रकार उसको लोड भी करते हैं। और इधर भी सारे बोतल रखे हुए हैं, इधर से भी आपको दिखाता हूँ ऑटो पे भी कितने सारे बोतल हैं। ये देखिए, यहाँ पर अभी कुछ बोतल रखे हुए हैं। अब चलिए मैं आपको अपने पूरे प्लांट के बारे में दिखाता हूँ। ये यहाँ पर टंकी लगा हुआ है, 1000 लीटर का है। इसी में सारा बोरिंग का पानी आके पहले स्टोर होता है। ये देखिए पाइप, जिससे बोरिंग का पानी आता है, बाहर में बोरिंग कराया हुआ है, इस पाइप से होते हुए पहले पानी इस टंकी में आता है, उसके बाद इस टंकी में स्टोर होता है। तो यारो, पीछे आपको कुछ शायद बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रहा हो, तो मेरे गांव में भी भागवत चल रहा है, उसी का ये आवाज़ है। मैं उसका भी कभी आपको वीडियो दिखाऊँगा, पहले यहाँ देखते हैं। ये देखिए, इस पाइप से होते हुए पानी मशीन तक जाता है। चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। और इस पर्दे के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है, वो मैं आपको आज सब दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ पर पूरा मशीन है। मैं जैसे फ्लैश लाइट ऑन कर लूँ। ये देखिए, यहाँ पर पूरा मशीन है। और जो पीछे आपको पाइप दिख रहा है, उसी पाइप से होते हुए पानी टुल्लू पंप में जाता है। यहाँ पर टुल्लू पंप लगा हुआ रहता है। ये देखिए, छोटा पंप है जो पानी को आगे पंप करके ये दोनों ब्लू वाले वेसल में भेजता है। फिर यहाँ से पानी पंप होकर फिल्टर होकर फिर आगे बढ़ता है। आगे भी फिल्टर लगे हुए हैं, बहुत सारे इसमें फिल्टर लगे रहते हैं। और जो मेरा प्लांट है वो 9 स्टेज फिल्टरेशन होता है, और बहुत सारे प्लांट इससे कम स्टेज के भी आते हैं जिसमें पानी फिल्टर होता है। और ये देखिए, पीछे जो पतला वाला पाइप लगा हुआ है, इस पाइप से होते हुए पानी आगे यूवी में जाता है, जिसे अल्ट्रावायलेट भी कहते हैं, वो लगा हुआ है। यहाँ पर पानी में जितने बैक्टीरिया रहते हैं वो सारे मर जाते हैं। और फिर आगे एक फिल्टर लगा हुआ है जो लास्टली पानी को छान लेता है, उसके बाद ये पानी टैंक में जाता है। देखिए यहाँ पर से वो देखिए, जो यूवी लगा आपको दिख रहा होगा, उस पर पाइप से इसमें आता है, और इस पाइप से होते हुए फिर इस फिल्ट्रेशन में जाता है, जहाँ पर लास्ट फिल्टर होता है पानी का, उसके बाद फिर ये ब्लू वाले टैंक में जाता है। मेरा ये टैंक 1500 लीटर कैपेसिटी का है, प्लस एक और टैंक लगा हुआ है जो 1000 लीटर कैपेसिटी का, यानी कि टोटल 2 टैंक मेरे पास है, जो नॉर्मल पानी के लिए है प्लस एक कोल्ड वाटर के लिए है। मैं जितनी देर आपको प्लांट दिखा रहा था, उतनी देर में सारे बोतल ऑटो पे लोड हो गए हैं। मैं वो वीडियो नहीं बना पाया, मैं किसी और दिन आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हमने इतने सारे बोतल इसके ऊपर इस तरह रखते हैं। यहाँ पर ये सारे मिलाकर कुल 48 बोतल हैं, इसमें थर्मस प्लस बोतल सब मिलाकर लोड किए जाते हैं, ताकि निकालने में भी आसानी हो और रखने में भी। चलिए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। यहाँ पर ऑटो निकलने के बाद पूरा प्लांट खाली हो चुका है, यहाँ पर एक भी बोतल नहीं है, ये बस 2 न्यू बोतल पड़े हुए हैं, और सारा बोतल ऑटो पे ही लोड होकर चले गए हैं। और ये देखिए, इसके अंदर में जो 3 टंकी मैं आपको दिखा रहा था, उसमें इस ब्लू वाले टैंक में प्लस इधर साइड वाले टैंक में नॉर्मल पानी रहता है, प्लस वाइट वाले में ठंडा पानी रहता है। तो यारो, आज का इस ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय सभी को।